हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल को हैक होने से कैसे बचा है, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, हमारा टेक्निकल ज्ञान एसके में आप सभी सब्सक्राइब का स्वागत है। हमारा आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने यूट्यूब चैनल को हैक होने से कैसे बचाए और हैक होने पर क्या करें इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर दें। आज का समय टेक्नोलॉजी का है और ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका कई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अच्छी मेहनत करके अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं और उसे ग्रो करते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हैकर्स कब उनका चैनल हैक कर लेता है। अगर आपका चैनल हैक हो गया तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है और उसे वापस लाने के लिए बहुत समय लग सकता है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है कि आपको आपका चैनल वापस मिल जाएगा। इसलिए आपको अपने YouTube चैनल को हैक होने से कैसे बचाना है, आज हम इसी पर बात करेंगे। आपके जीमेल पर बहुत सारे स्पॉन्सरशिप के मैसेज आते ही रहते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आप इसे प्रमोट करो, आपको इतने पैसे मिलेंगे। जिन्हें पता होता है कि वो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिन्हें पता ही नहीं होता, ज़्यादा पैसे की लालच में उन्हें जो लिंक मिलता है उस पर क्लिक कर देते हैं और उनका जीमेल आईडी और पासवर्ड उनके पास चला जाता है। आपको किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं होता है कि किसी दूसरे के फ़ोन या पीसी में अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन करना चाहिए या नहीं, लेकिन आपसे वही गलती हो जाती है और अपना हिस्ट्री डाटा उसमें क्लियर करते ही नहीं, इसी कारण भी आपका यूट्यूब चैनल हैक हो सकता है। जितने भी यूट्यूब चैनल हैक होते हैं, उनमें से ज़्यादातर फ़ोन में जो लोग चैनल को चलाते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल से चैनल को नहीं चलाना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा सिक्योर रहना है ताकि हम इन हैकर्स का शिकार न हो सके। आज मैं आपको इन हैकर्स से बचाने के लिए 12 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आपके अपने यूट्यूब चैनल की सिक्योरिटी बढ़ा सके। नंबर 1, आपको कम से कम 8 कैरेक्टर, मतलब 8 उससे ज़्यादा अक्षर वाला पासवर्ड बनाना है। उसमें अल्फाबेट, सिम्बॉल यानी लेटर्स, मतलब कि वर्णमाला, प्रतीक और अक्षरों का उपयोग करना, जैसे कि टेक्निकल ज्ञान है इसके, इसमें टैग का जो टी है वह अल्फाबेट है, टेक्निकल है वह लेटर्स है और ए @ सिंबल है। इसलिए आपको इन सब का यूज़ करना चाहिए ताकि आपके पासवर्ड को कोई हैक ना कर सके। याद रहे, कभी 123 या कॉमन वर्ड्स, इस तरह के नॉर्मल कीवर्ड्स को अपना पासवर्ड में यूज़ नहीं करना है। नंबर 2, आपने कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन में अपनी जीमेल आईडी दी है और आपको लगता है कि यह सही नहीं है, कुछ तो गलत है, उस समय तुरंत अपने जीमेल आईडी जिस पर यूट्यूब चैनल है उसका पासवर्ड चेंज कर देना है। अगर आप गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन मिलता है और वह स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बना रहे उसके बारे में बताता है, मतलब कि हमारा पासवर्ड किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में हमें गाइड करता है। नंबर 3, नेवर शेयर योर पासवर्ड। आपको कभी भी अपने पासवर्ड को दूसरे लोगों को किसी वेबसाइट पर शेयर नहीं करना है। YouTube का कहना है कि YouTube आपके ईमेल, मैसेज या फ़ोन कॉल में कभी भी आपका पासवर्ड नहीं मांगता है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी नंबर मांगने के लिए फॉर्म भी नहीं भेजता है। नंबर 4, रेगुलर सिक्योरिटी चेकअप करते रहना है। आपको नियमित अपने अकाउंट में चेकअप करते रहना है, कहीं कोई इशू तो नहीं। अगर कहीं पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है तो उसे इग्नोर मत करना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कब चैनल हैक हो गया। ऐड और अपडेट अकाउंट रिकवरी ऑप्शन भी इसमें होता है, आपको रिकवरी ऑप्शन को ऐड या अपडेट करते रहना है, इसलिए क्योंकि इसमें प्रॉब्लम फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस को रिकवर कर सकते हैं। यदि आप इसे इनेबल करते हैं तो आपकी परमिशन के बिना कोई आपके अकाउंट को ओपन करने की कोशिश नहीं करता है, और अगर करता है तो अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। अकाउंट में कोई सस्पेस एक्टिविटी हो रही है तो उसका अलर्ट मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा। नंबर 5, टर्न ऑन 2-स्टेप वेरीफिकेशन। अपने YouTube चैनल के अकाउंट में 2-स्टेप वेरिफिकेशन उसको इनेबल कर देना है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन एक हैकर को आपके अकाउंट में जाने से रोकने में मदद करता है, भले ही आपका पासवर्ड चुरा ले। यह बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसे अवश्य ऑन करना चाहिए। नंबर 6, रिमूव सस्पेंस पीपल फ्रॉम योर अकाउंट। यदि आप एक टीम में काम कर रहे हैं, किसी को अपने यूट्यूब अकाउंट में ऐड करके रखा है या कोई व्यक्ति वेरीफाई ऑनरशिप पाने की कोशिश कर रहा है और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ सस्पेस है, तो तुरंत उसको एक्सेस कोड रिमूव कर देना। रिमूव साइट्स एंड एप्स यू डोंट नीड।
आपने कोई भी ऐप या वेबसाइट में जीमेल से लॉगिन किया है तो उसे वहाँ से रिमूव करें। अपने यूट्यूब अकाउंट की सुरक्षा चाहते हैं तो अननोन ऐप्स को बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना है। अपडेट एंड बैकअप योर अकाउंट। नंबर 8, आप यूट्यूब ऐप, क्रोम ऐप या कोई अदर ऐप जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर का यूज़ कर रहे हैं और उसमें अपने जीमेल आईडी है तो उन्हें अपडेट करते रहना है, साथ ही बैकअप भी लेना है। अगर आप उन्हें अपडेट नहीं करते तो आपको अकाउंट हैकर से सुरक्षित नहीं हो सकता। नंबर 9, संदेहजनक मैसेज एंड कंटेंट से बचाव करना। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी आपको किसी भी प्रकार का लालच देने के लिए मैसेज या ईमेल करता है तो आपको समझ जाना है और उनको रिप्लाई नहीं करना है। हैकर्स का काम यही होता है कि वो लोग मीठी बातें करके आपको फंसा लेते हैं और सारी डिटेल्स ले लेते हैं, इसलिए आपको हमेशा सावधान रहना है। नंबर 10, अवॉइड सस्पिशियस रिक्वेस्ट। कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए मैसेज, ईमेल या फ़ोन कॉल करता है तो उसका रिप्लाई नहीं देना है। आपको कोई ईमेल आया और वो भी यूट्यूब की ईमेल की तरह दिख रहा है तो आपको एक ज़रूर चेक करना है, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से जब भी कोई ईमेल्स मिलते हैं तो वो youtube.com और google.com के नाम से ही मिलते हैं। इस तरह के संदेहजनक रिक्वेस्ट को पहचानना है और अवॉइड करते रहना है। अवॉइड सस्पिशियस वेब पेज। जितने भी ऐसे वेबसाइट पेज है जो अनवांटेड या संदेहजनक है, उस पर जो लिंक होता है उन पर क्लिक नहीं करना। वहाँ पर होता यह है कि जो लॉगिन सॉफ्टवेयर ऑप्शन होता है उसमें उसी जीमेल आईडी से लॉगिन नहीं करना जिस पर यूट्यूब चैनल बना हुआ है। जैसे कि आपने कोई वेब पेज पर विजिट किया है और वहाँ पर https या http नहीं है और ऊपर रेड कलर बना हुआ है, जो रेड कलर बनना आ जाता है जैसे संदेहजनक पेज को हमें अवॉइड करना, इस पर ध्यान नहीं देना। नंबर 12, रिपोर्ट स्पैम और फिशिंग। बहुत से ऐसे हैकर्स होते हैं जो आपको फिशिंग के जरिए फंसाने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप फिशिंग के बारे में पूरी नॉलेज प्राप्त कर सकें। यूट्यूब ने कहा कि जब भी आपको लगे कि कोई आपके साथ फिशिंग एक्टिविटी कर रहा है तो आप उसे तुरंत रिपोर्ट करें ताकि गूगल उस पर तुरंत एक्शन ले सके और फिशिंग से खुद को बचाने के लिए myaccounts.google.com को छोड़कर किसी भी पेज पर अपना पासवर्ड नहीं देना है। यूट्यूब चैनल हैक होने के बाद भी क्या करें? मान लो कि हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो गया तो अब मैं क्या करूँ जिससे मेरा चैनल वापस मुझे मिल जाए? उसके लिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसे फॉलो करना। चैनल हैक हो जाने के बाद आपके चैनल में जब कोई दूसरा ऑनर से वेरीफाई करता है तब आपको एक ईमेल मिलता है, उसे सेव कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे अपने पास वो प्रूफ है जो आगे आपको काम आ सके। अब आपको यूट्यूब टीम से बात करनी है कि आपका चैनल किस तरह से हैक हुआ है और आपके पास जितने भी ईमेल्स आए वह सब उन्हें देने हैं। थोड़े समय के बाद उनकी तरफ से आपको जो रिप्लाई आएगा वह कॉल या मैसेज के माध्यम से ही मिल सकता है। आपके चैनल को वापस आने में कम से कम 3 या 4 महीने लग सकते हैं, क्योंकि चैनल को किसने हैक किया है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इतना समय लगेगा। एक बात याद रहे, जब तक आपको आपका चैनल नहीं मिल जाता तब तक यूट्यूब की तरफ से जो भी मिले आपको उसका रिप्लाई आपको करते रहना है। लेकिन कुछ केस में चैनल वापस नहीं मिलता है, इसलिए आपको अपने चैनल को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहना है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अपने यूट्यूब चैनल को हैक होने से कैसे बचाएं और हैक होने पर क्या करें, इसके बारे में हमने डिटेल्स के साथ जाना है। हमने एक चैनल तो बना लिया लेकिन उसकी सुरक्षा करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। कृपया अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करिए ताकि इन हैकरों से बच सकें। हम फिर जुड़ेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।